बाबा सिद्दीकी के बाद कौन है लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का दाऊद कनेक्शन भी है। सलमान, शाहरुख और आमिर खान जैसे बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स से संबंध रखने वाले बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है तब से पूरी मुंबई में दहशत का माहौल बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अगले टारगेट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड का दाऊद कनेक्शन भी टटोला जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जेल के बाहर की दुनिया को कैसे चला रहा है? क्या इसमें जेल से उसकी कोई मदद कर रहा है? क्या पैसों के दम पर वो लोगों को खरीद रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के नाम पर महज अटकलें ही हैं। इन अटकलों के पीछे की पूरी वजह आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में हुई चौथी गिरफ्तारी के बारे में बताते हैं। पुलिस ने यूपी के बहराइच में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी का नाम हरीश कुमार बालक राम और दूसरे का नाम अनुराग है। हरीश कुमार पुणे में स्क्रैप डीलर के तौर पर काम करता था जो मर्डर का हिस्सा था, और इसने ही पैसे और अन्य चीजें मुहैया कराई थी। हरीश कुमार के बुलाने पर ही शूटर धर्मराज कश्यप मुंबई गया था। अनुराग आरोपी धर्मराज का सगा छोटा भाई है और हरीश गांव का रहने वाला है। आरोपी शिव कुमार गौतम, मोहम्मद जिशान, शुभम लोड़कर भी अभी फरार है। 12 अक्टूबर की शाम को मुंबई के बांद्रा में शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद इस हत्याकांड के पत्ते बीतते दिन के साथ खुल रहे हैं। अब इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर मुंबई पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए हथियार पंजाब से आए थे। बरामद 9mm पिस्टल विदेशी है। शक है कि ये पिस्टल पाकिस्तान या नेपाल से जीशान तक पहुंची है। जीशान अख्तर ने ही आरोपियों को किराए का कमरा और बाकी की चीजें दिलाने में मदद की थी। मौके से पकड़े गए दो शूटरों के पास 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। उनमें कई नंबर बिना सेफ के डायल में मिले हैं। आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा को लॉरेंस गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर आदेश आ रहे थे। शिवा आ रही जानकारियां बाकी शूटरों से साझा कर रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए शूटर्स ने दशहरे का दिन चुना था, जिस दिन मुंबई के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। लिहाजा पुलिस इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रही है कि आखिर शूटर्स ने इतनी सुरक्षा वाले दिन ही को क्यों चुना। इसलिए मुंबई पुलिस महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा सिद्दीकी हत्या के पीछे का जो मकसद सामने आ रहा है वो अंडरवर्ल्ड में अपना रसूख दिखाने की कवायद जैसा लग रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे सलमान खान और पूरे मुंबई और मायानगरी में दहशत पैदा करना था। मर्डर का मकसद अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम तक संदेश पहुंचाना भी था। हत्याकांड का दाऊद कनेक्शन भी सामने आया है और दाऊद कनेक्शन की जांच जारी है। एक वक्त था जब मुंबई दाऊद की एक आवाज से सहम जाती थी। दाऊद जो चाहता था वो कर लेता था, लेकिन ये वक्त अब खत्म हो गया है और दाऊद मुंबई से भागकर पाकिस्तान छिपा है। वो अभी जिंदा है या नहीं इस पर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई हत्याओं और आतंकी हमलों में दाऊद कनेक्शन सामने आता रहता है। दाऊद के मुंबई से जाने से मायानगरी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने प्रशासन से लेकर बड़ी हस्तियों तक की नींद उड़ा दी है और अब लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट की चर्चाएं होने लगी हैं। माना जा रहा है बिश्नोई की हिटलिस्ट में अब सलमान खान के अलावा और भी कई बड़े नाम जुड़ गए हैं। टारगेट लिस्ट में जीशान सिद्दीकी, मुनव्वर फारूकी, शगनप्रीत सिंह, कौशल चौधरी और अमित डागर शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया था कि उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी निशाने पर था। मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है जिसका नाम हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने को लेकर विवादों में रहा है। वहीं टारगेट लिस्ट में जो नाम शगनप्रीत सिंह है वो मारे गए सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है, जिसको लेकर बिश्नोई का मानना है कि शगनप्रीत ने उनके करीबी सहयोगी विक्की बिद्दू खेड़ा के हथियारों को पनाह दी थी। विक्की बिद्दू खेड़ा की हत्या अगस्त 2021 में मोहाली में गोली मारकर कर दी गई थी। बिद्दू खेड़ा के हथियारों को हथियार दिलाने का आरोप कौशल चौधरी पर, इसलिए हिटलिस्ट में ये भी है। बिश्नोई गैंग का जो आखिरी टारगेट अमित डागर है वो भी बिद्दू खेड़ा हत्याकांड से ही जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई सीधे तौर पर सलमान खान को मारने की धमकी कई बार दे चुका है। इसी साल बीते अप्रैल महीने में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी, जिसके पीछे बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया था। और जब अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली तो भी साफ तौर पर सलमान खान का जिक्र किया गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वही पोस्ट है जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। इसमें से सलमान को लेकर जो बातें कही गई थी वो केवल बताते हैं। इसमें लिखा था कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सलमान और दाऊद इब्राहिम का फेवर करेगा
वो अपना हिसाब किताब भी लगाए रखना। इस पोस्ट से विश्नोई खुलेआम बोल रहा है कि सलमान खान, दाऊद या उनसे जुड़े जितने लोग हैं सबको बुरे अंजाम भुगतने होंगे। जाहिर है कि इस पोस्ट से न सिर्फ बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई बल्कि मायानगरी में दहशत फैलाने वाली धमकी भी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई का राइट माने जाने वाला गोल्डी बराड़ भी ये बात कई बार कह चुका है कि वो मौका मिलते ही दाऊद को मार देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, वो जेल के बाहर खुलेआम ऐसे मर्डर कैसे करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले करीब 1.5 साल से जेल से बाहर न निकला है, न उससे कोई मिलने आया है, तो वो अपराध कैसे करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, तो वो अपनी गैंग तक कोई मैसेज कैसे पहुंचा रहा है। क्या जेल के अंदर से पुलिस का कोई आदमी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद को मारना भले ही चाहता है, पर वो दाऊद के ही रास्ते पर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई किस कदर दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल निकला, इसका जिक्र एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया था, जिससे लॉरेंस गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम गैंग से की गई थी। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया, फिर उसने डी कंपनी बनाई। ठीक इसी तरह लॉरेंस भी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर से बैठकर जितने बड़े बड़े कांड करता है, ये दिखाता है कि उसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चालू है, जो प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। फिलहाल प्रशासन इस समय बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगी है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के समय उनका एक सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ मौजूद था, पर उसने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की, ये भी जांच का विषय है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या राजनीतिक या झुग्गी पुनर्वास प्रोजेक्ट को लेकर धमकी सहित तमाम एंगल से भी जांच कर रही है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने 15 टीमें गठित की हैं, जिन्हें महाराष्ट्र से बाहर भेजा गया है।